2019-10 तक बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होने वाली है। नकल मुक्त और कोरोना मुक्त परीक्षा करवाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती होगा। हालांकि विभाग की माने तो छात्रों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इसी बीच विभाग ने परीक्षा को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर CCTV लगाए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों और परीक्षा निरीक्षकों को मास्क पहनकर केंद्र पर आना होगा। इस दौरान वहां उन्हें हाथ को सैनिटाइज करना होगा। इसके साथ ही किसी भी तरह के डिवाइस उपकरण को लाने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। आपको बता दें कि 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले इस बार के इंटर परीक्षा के लिए कुल 13,46,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश अवगत है कि न सिर्फ हम परीक्षाएं समय पर लेते हैं, बल्कि कदाचार मुक्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पिछले वर्षों में सराहना की। महामारी से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाएं कदाचार मुक्त हो, यही सरकार की प्राथमिकता है और इसी में हम छात्रों, अभिभावकों और सभी अपने सम्मानित शिक्षकों के